तो 24 घंटे बाद हमारी कंपोस्ट इस प्रकार देखिए बनके तैयार है। इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है इसे हम अपने कंपोस्ट बिन में यूज कर लेंगे और बची हुई लिक्विड कंपोस्ट को हम अपने फ्लावर प्लांट में किस प्रकार देना है ये आगे मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंका प्लांट की केयर कैसे करें। सदाबहार ये देखिए काफ़ी अच्छे फूल निकल के आते हैं इनमें और देखिए मेरा पौधा चार तरफ से सिर्फ फूलों से ही भरा पड़ा है। ये यूँ कह लें इसमें पत्तियाँ दिख नहीं रही, सिर्फ फूल ही फूल दिख रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ढेर सारी फ्लावर्स आपके विंका प्लांट में मिलेगी, इसकी केयर कैसे करनी है फुल डिटेल में जानकारी मिलेगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, स्किप मत करिए कोई भी पार्ट, क्योंकि आधी जानकारी दोस्तों काफ़ी खतरनाक होती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। इससे पहले दोस्तों हम करेंगे कुछ, हमने छोटे पौधे ले आए हैं, इसकी ट्रांसप्लांट करेंगे। इसे मैं नर्सरी में गया हुआ था तो मुझे ये पसंद आ गई, इसके कलर ये कुछ पर्पल कलर का है और ये इसमें फूल था लेकिन ये झड़ गया, तो ये कुछ उसमें पिंक कलर में है। तो ये दो कलर मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो मैं इन्हें भी नर्सरी से ले आया। तो पहले इसकी रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद हम आते हैं इसकी केयर पे। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आ जाइए रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करना दोस्तों कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और बस कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है जिससे कि हमारे पौधे मरे नहीं। बाकी रिपोर्टिंग करने में कोई बड़ा साइंस टेक्निकल नहीं है। तो दोस्तों ये जो मैंने मिट्टी ली है नॉर्मल मिट्टी ही है समझ लीजिए, क्योंकि इसमें 60% के आसपास मैंने गार्डन सॉइल लिया हुआ है और 40% मैंने काउडंग कंपोस्ट मिलाया हुआ है। इसके अलावा मैंने इस मिट्टी में कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, जो मेरी पुरानी मिट्टी थी वही मिट्टी मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें जो पहली चीज़ आपको केयर करनी है कि जो गमले में आपके ड्रेनेज होल होता है इसे किसी चीज़ से कवर करनी है, चाहे वो आपके गार्डन की सूखी पत्तियाँ हों या कार्डबोर्ड के टुकड़े हों या मतलब कोकोपीट से आप कर लीजिए कुछ ना मिले तो, या कंकड़ पत्थर के टुकड़े, जिससे क्या होता है कि मिट्टी जाके उस ड्रेनेज होल में मिट्टी उसे ब्लॉक ना करे, सिर्फ यही पर्पज होता है और आराम से उससे पानी ड्रेनेज हो जाए। तो आपके पास जो कुछ भी अवेलेबल हो आप उससे इसको कवर कर दें। मेरे पास देखिए मेरे ही गार्डन से निकली हुई कुछ सूखी पत्तियां हैं तो मैं इन्हें यूज कर ले रहा हूँ। आपके पास जो कुछ भी मिले आप उससे इसे कवर कर लीजिए। इसका कोई बस इतना यूज है कि ये ड्रेनेज होने में पानी को मदद करेगा। तो दो पौधे हैं, मैं दोनों गमलों को इन पत्तियों से इनका बेस फिल कर लेता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों एक ही ये कर लिया मैंने। अब इसमें हम कर देंगे मिट्टी की फिलिंग, आपको दिख रही होगी। दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये लाइक करने से हमें कुछ मिलता नहीं है, बस एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ जो मैं हम बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। तो देखिए इस प्रकार हमने आधे गमले को मिट्टी से भर देना है और आधे गमले के भरने के बाद ये जो हमारे फूल के पौधे हैं जो हम नर्सरी से लेके आए थे ये पॉलीथीन में लगे हुए हैं, इन्हें इस प्रकार से पॉलीथीन को हटा लेना है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने पॉलीथीन हटा लिया। अब एक काम और करना है हमें, दूसरी सावधानी है कि जो इसमें मिट्टी लगी हुई है इस मिट्टी को हमें काफ़ी हद तक इससे निकाल लेना है, लेकिन रूट्स को डैमेज नहीं होने देना है। तो जितनी निकलती है उतनी ही निकालें, उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें इसके साथ, क्योंकि इसका रूट बॉल अगर डैमेज होगा तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार देखिए मैंने इतनी निकाल ली है, जो हमारी नीचे की रूट्स दिख रही हैं वाइट वाइट काफ़ी अच्छी रूट हैं, तो इन्हें हम इसमें फिर लगा देंगे। इसमें हम फिर से पौधे को लगाने के बाद मिट्टी भर देंगे। और हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि इसमें कोई एयर पॉकेट एयर बबल्स मिट्टी में ना बने रहें, जिसकी वजह से पानी अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये एक पौधा हमारा लग के तैयार हो गया है, अब हम दूसरा भी लगा लेते हैं। इसमें भी हम इसी प्रकार से मिट्टी हमने इसकी हटा ली है
और गमले में थोड़ी और मिट्टी ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हम पौधे को रख के इसके चारों तरफ से मिट्टी फिल कर देंगे। बस दोस्तों ध्यान रखना होता है कि जो रूट्स हैं वो डैमेज ना हो और ड्रेनेज होल ब्लॉक ना हो, और जो मेन केयर होती है इनकी जड़ों से, जो नर्सरी वाले चिकनी मिट्टी यूज करते हैं, उस मिट्टी को रिमूव करना, क्योंकि वो कुछ दिन तो हमारे यहाँ लगती है गमले में और ग्रोथ दिखती है, उसके बाद फिर पौधा वहाँ से मरने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं उस मिट्टी से निकल के आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अब इसमें कर देंगे हम वाटरिंग, और वाटरिंग कर देंगे भरपूर मात्रा में हमेशा की तरह, कि गमले की पूरी मिट्टी गीली हो जानी चाहिए। अब आइए दोस्तों चलते हैं बड़े पौधे की तरफ, कि रिपोर्टिंग के बाद हम इसकी केयर कैसे करें कि आपको भी ढेर सारे फ्लावर्स मिले। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी पौधे हमने लगाए हैं, इन पौधों को हमें रखना है सेडेड एरिया में कम से कम 2 से 3 दिन के लिए, ताकि ये पौधे हमारे यहाँ अच्छे से सेट हो जाएं, उसके बाद फिर हम इन्हें धूप में डाल देंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारे मैच्योर पौधे हैं इनकी केयर कैसे करनी चाहिए स्टार्टिंग से। तो दोस्तों जो पहली चीज़ है कि जब पौधा इनिशियल ग्रोथ में हो, अभी हमारा पौधा जैसे हमने लगाया हुआ है, तो इसे 7 से 8 दिन बाद हम इसे लिक्विड कंपोस्ट देंगे, काउडंग कंपोस्ट से बनी हुई लिक्विड कंपोस्ट, जो कि जड़ें जो रूट्स होती हैं वो अच्छे से उन्हें ग्रहण कर लेती हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेती हैं। उसके बाद जब पौधा थोड़ी ग्रोथ पर दिखे आपको, तो उसमें करनी होती है हमें पिंचिंग। देखिए इस पौधे में मैंने पिंचिंग करने के बाद ही ये पौधा मेरा इस प्रकार गोल हुआ है, देखिए, और हर तरफ से इसमें फूल ही फूल दिख रहा है आपको। तो पिंचिंग करना इसका बहुत ही ज़रूरी काम होता है। दूसरे की हमें इसकी मिट्टी में देखना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद करता ये पौधा, तो इसमें वाटरिंग का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, लेकिन यह है कि मॉइस्चर इसमें हल्की फुल्की मॉइस्चर बनी रहे, नहीं तो पौधा डैमेज भी होने लग जाता है। तो देखिए ये मिट्टी मैं आपको दिखाऊँ इस प्रकार, देखिए मिट्टी ड्राई ही दिखेगी आपको, तो इसमें वाटरिंग का आपको ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा वाटरिंग पानी का पसंद नहीं करता ये पौधा। फिर दोस्तों इसकी पिंचिंग कर ली हमने, इसकी गुड़ाई भी करते रहिए, करीब 15-20 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई ज़रूर कर दें, और मिट्टी जितनी भुरभुरी हो सके उतनी अच्छी भुरभुरी बनाएं। फिर अब आते हैं दोस्तों इसमें कंपोस्ट कैसे बनानी है, हमें क्या कंपोस्ट करनी है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है तो वो कंपोस्ट कैसे बनी हुई है, तो दोस्तों मैं ले लूँगा करीब 700 ml वाटर, देखिए इस प्रकार से, और इस वाटर में अब दोस्तों बारी आती है कि हम क्या क्या मिलाने वाले हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है, हम मिलाएंगे केले का छिलका, लेकिन खड़े खड़े नहीं मिलाएंगे, इसको कट करके मिलाएंगे, जल्दी ये डिजॉल्व होता है। एक लीटर 700 ml वाटर में हम एक केले का छिलका, काफ़ी सफिशियंट है हमारे लिए, और 1 से 1.5 हम मिलाएंगे इसमें अंडे का छिलका, इसको भी हमने क्रश करके इसमें मिला दिया। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है दोस्तों, ये है करीब 1 मुट्ठी के आसपास हम प्याज का छिलका भी इसी में मिलाएंगे, और फिर हम इसमें मिलाएंगे करीब 1 मुट्ठी के आसपास गाय के गोबर की खाद। अब दोस्तों हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा, एक टुकड़ा गुड़ का, जिसे जौगरी बोलते हैं। दोस्तों थोड़ा अंधेरा हो गया वीडियो बनाने में, तो लाइट मैं जला रखा हूँ, लाइट के सामने बना रहा हूँ, और वैसे भी मुझे अब इसे डाल के हमें करीब 24 घंटे के लिए छोड़ना है। तो दोस्तों इस 750 ml पानी में ये देख पा रहे हैं आप, इतना गुड़ बहुत है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा ख़राब या सड़ा हुआ गुड़ हो तो वो और बेहतर है, और इसको हमने इस तरह से हल्के हाथों से मिला लेना है, और किसी छाएदार प्लेस पे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो इसको हमें रख देना है, ढकने की आवश्यकता नहीं है। गुड़ जो हमने मिलाया है, ये इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं
उसको तो डिजॉल्व करेगा अच्छे से, जैसे केले का छिलका है उनको डिजॉल्व करने में मदद मिलेगा। और गुड़ से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे, माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं इसमें, काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें पनप जाएंगे, तो वो और ज़्यादा लाभदायक होता है हमारे पौधों के लिए। तो इसको हम छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए, 24 घंटे बाद मिलते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं कैसा बना हुआ है ये। तो दोस्तों हाजिर हैं हम पूरे 24 घंटे बाद, आप देख सकते हैं हमारे फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं। तो हम 24 घंटे बाद देखते हैं जो हमारी फर्टिलाइज़र जो हमने तैयार होने के लिए रखी थी वो किस स्थिति में है और यूज करने के लायक रेडी है या नहीं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस फर्टिलाइज़र को एक बार अच्छे से मिला लेना है और मिलाने के बाद किसी भी बर्तन में हम इसे छान लेंगे। देखिए इस प्रकार से हम इसे सारे तत्व इसमें अच्छे से घुल गए हैं। ये देखिए, और ये जो अवशेष बच रहा है आपके पास, इसको आप अपने जो कंपोस्ट बिन है उसमें यूज कर सकते हैं। अगर कंपोस्ट बिन में नहीं यूज करना चाहते तो डायरेक्ट भी किसी गमले की मिट्टी में डाल के उसकी गुड़ाई कर दीजिए, ये अच्छा वर्क करेगा। तो ये देखिए हमारी जो कंपोस्ट टी है, जो लिक्विड कंपोस्ट है, किसी भी फ्लावर प्लांट में यूज करने के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाभकारी है। इसमें आपके सभी माइक्रो एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन, फास्फोरस सबकी प्रचुर मात्रा में उपस्थिति है। तो इसको अब आप अपने जो पौधे हैं उनमें डालिए, यूज कीजिए। कैसे यूज करना है वो भी बताता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने करीब 2 लीटर के आसपास पानी ले लिया है और उसमें ये 700-750 ml के आसपास का जो मेरा कंपोस्ट है इसको डालूंगा। आप एक तरह से समझ लीजिए कि 2:1 का रेशियो होगा। तो इसको हम इसमें पूरे में पानी में अच्छे से मिला लेंगे और आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इस प्रकार आप इसको मिला लेंगे अच्छे से हम, देखिए, और जितनी आपके पौधे को आवश्यकता है, पानी की नीड है, उसी हिसाब से हम अपने जो पौधे में, देखिए इसमें हम इस जो लिक्विड कंपोस्ट हमने बनाई है इसको आराम से दे देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों अगर इस कंपोस्ट को आप देते हैं अपने पौधे में 15 दिन में कम से कम एक बार, तो आपका पौधा देखेंगे कि हमेशा इस प्रकार फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगे, लाभदायक हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।